रणबीर कपूर कहता है कि मीम खाना अच्छी चीज है, तो ऐसे दो बक्से को बाबा महाकाल के मंदिर में नहीं घुसेगा। बजरंग रणबीर कपूर का विरोध करने के लिए आए हैं, उसने हमारी गाय माता को लेकर अश्लील बयान दिए हैं, गो माता को लेकर, गो माता के बीफ को लेकर हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। और यहाँ पर हम जब विरोध करना है तो प्रशासन ने हमारे कार्यकर्ता के साथ मारपीट करी है। हम भारी विरोध के चलते आखिरकार महाकाल का दर्शन नहीं कर सके आलिया और रणबीर। आलिया और रणबीर को उज्जैन के महाकाल मंदिर से वापस लौटना पड़ा। नमस्कार, सनातन टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 9 सितंबर को अयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र रिलीज हो रही है। फिल्म रिलीज से पहले अयान मुखर्जी आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के साथ उज्जैन महाकाल के दर्शन को पहुंचे थे। ब्रह्मास्त्र टीम जैसे ही महाकाल के दर्शन के लिए मंदिर पहुंची, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गेट पर खड़े होकर हंगामा शुरू कर दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ता स्टारकास्ट के सामने जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। बता दें कि फिल्म स्टार और बॉलीवुड के मशहूर जोड़ी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट मंगलवार शाम को महाकाल मंदिर के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे थे। यहां उनके आने से पहले ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता काले झंडे दिखाने के इरादे से विरोध करने महाकाल मंदिर के द्वार पर जोरदार हंगामा किया। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हाथापाई भी की। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना है कि रणबीर कपूर खुद बता चुके हैं कि वे बीफ खाते हैं, ऐसे में बीफ खाने वालों को मंदिर में कैसे प्रवेश दिया जा रहा है। इस घटना की खबर मिलते ही रणबीर, आलिया और अयान मुखर्जी तीनों उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के घर पहुंच गए। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर बताया था कि वे उज्जैन महाकाल के दरबार में जा रहे हैं। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ डायरेक्टर अयान मुखर्जी भी थे। यहां शाम 6:30 बजे के करीब इंदौर एयरपोर्ट पर उतरे और उज्जैन के लिए रवाना हुए। दोनों अपनी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन को लेकर यहां आए थे। ब्रह्मास्त्र 9 सितंबर को रिलीज होगी। इसे अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है। बता दें कि इन दिनों हिंदू देवी देवताओं के अपमान के आरोप में कई सारी बॉलीवुड फिल्मों को बायकॉट किया जा रहा है, जिसमें हाल ही में आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा भी इस बायकॉट का शिकार हुई और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। ठीक उसी तरह से आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का भी बायकॉट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो शख्स बीफ खाता है, देश की बुराई करता है, फिर उसकी मूवी थिएटर में लोग देखने क्यों जाएं? हिंदू संगठनों का आरोप है कि रणबीर कपूर ने गौ माता का अपमान किया है, गौ माता को अपशब्द बोले हैं। इसके साथ ही आलिया भट्ट का विरोध इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने बायकॉट करने वाले दर्शकों का मजाक बनाया था और बोला था कि जिसे फिल्म नहीं पसंद वो मत जाए देखने, मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ। सो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये बायकॉट ट्रेंड क्यों शुरू हुआ और कब खत्म होगा, इसके पीछे की असल वजह क्या है? आप अपना कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।